महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। सीएम उद्धव ठाकरे भी कोरोना से लड़ाई में हाथ खड़े कर चुके हैं। स्थिति दिनों दिन भयावह होती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही जिससे कोरोना की रफ्तार कम हो। महाराष्ट्र से ऐसी कई खबरें सामने आई हैं, जो वहां की लचर व्यवस्था को बताने के लिए काफी है। खबर तो ऐसी भी सामने आने लगी थी कि जब राज्य सरकार फेल हो गई है तो राज्य में कोरोना को रोकने के लिए सेना को बुलाया जाए। उधर बंबई उच्च न्यायालय ने भी महाराष्ट्र सरकार को लताड़ लगाई है। कोर्ट ने आर्थर रोड जेल में कोविड 19 को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार को उचित नीतिगत फैसला लेने का निर्देश दिया है। आर्थर रोड जेल से कम 77 कैदी और 26 कर्मी इस हफ्ते कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने जेल में बंद कैदी अली अकबर श्रॉफ की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने चिकित्सा आधार पर अस्थायी जमानत मांगी। न्यायमूर्ति डांगरे ने अपने आदेश में कहा कि हालात गंभीर हैं और ऐसी आकस्मिक स्थिति में राज्य सरकार तथा नीति निर्माताओं को फैसला लेना चाहिए। अदालत ने कहा, अगर ये सच है कि आर्थर रोड जेल में 100 से अधिक मरीज संक्रमित पाए गए हैं, तो अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि जेल में बंद दूसरे कैदी क्षमता से अधिक बंदी होने के कारण वायरस से संक्रमित नहीं हों। अदालत ने राज्य सरकार और जेल विभाग को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। हालांकि राज्य सरकार क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सही मायनों में महाराष्ट्र में सीएम ठाकरे के अलावा कोई दूसरा नेता भी सामने आकर कुछ नहीं बोल रहा है। कोरोना काल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आफत के बादल मंडराने लगे हैं। पहले ही नेशनल हेराल्ड मामले में फंसी कांग्रेस पर अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब सोनिया गांधी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। प्रवर्तन निदेशालय ने पार्टी के प्रकाशन संस्था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और सोनिया के बेहद करीबी नेताओं में शुमार मोतीलाल वोरा की संपत्ति कुर्क कर ली है। ईडी की ओर से जारी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में ये एक्शन लिया गया है। कुर्क की गई 16.38 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में मुंबई की 15,000 स्क्वायर फीट में फैली एक 9 मंजिला इमारत शामिल है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया। ईडी ने पिछले साल मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। पंचकुला के सेक्टर 6 में प्लॉट नंबर C-17 की खरीद कब्जे से जुड़ी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होने के कारण इनके नाम चार्जशीट में है। जांच में पता चला कि प्लॉट को एजीएल को साल 1982 में आवंटित किया गया था। हुड्डा पर आरोप है कि इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्लॉट को पुनर्आवंटन की आड़ में नए सिरे से एजीएल को आवंटित किया। इसकी कीमत वही रखी गई। ये आदेश 28 अगस्त 2005 को दिया गया। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर 2016 में पीएमएलए की शिकायत दर्ज की थी। आपको बता दें कि मोतीलाल वोरा एजीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इस कंपनी पर गांधी परिवार का दखल है। वहीं टैक्स डिपार्टमेंट ने राहुल गांधी के साल 2011-12 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को फिर से खोलने का फैसला किया है। उधर मामले में सभी सातों आरोपी राहुल और सोनिया, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन ने आरोपों को खारिज किया है। कोरोना वायरस पर अब बिहार में भी राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी नेता और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव अब कोरोना काल में अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब इस कोरोना के जरिए वोट बैंक को समेटने की भी चिंता है। बात जब प्रवासी मजदूरों की आई तो तेजस्वी यादव की मूल अपलपा गई। इसके बाद भी तेजस्वी लगातार ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार के बाहर आराम करते हुए ट्विटर के जरिए सरकार के काम पर उंगली उठाते रहे। आज भी कोरोना संक्रमण काल में तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठकर ट्विटर खेल रहे हैं। नतीजा ये निकला कि अब जनता ने ही तेजस्वी को भगोड़ा कहना शुरू कर दिया है। इसके बाद अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि अब तो ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगा है कि हैशटैग तेजस्वी भगोड़ा है। बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को भगोड़ा करार दिया है। अब आरजेडी को अपना दूसरा अल्टरनेटिव नेता चुन लेना चाहिए। आरजेडी अब बिहार की राजनीति के लिए दूसरा नेता विपक्ष घोषित करे, क्योंकि ये आश्चर्य की बात है कि बिहार का नेता विपक्ष संकट में फरार है।
निखिल मंडल ने कहा कि हर संकट की घड़ी में फरार होने वाले तेजस्वी यादव ने ये दिखा दिया कि वो किस तरह के नेता हैं। लेकिन अब जनता भी उन्हें पहचान चुकी है कि तेजस्वी जैसे नेता को सिर्फ खुद से मतलब है, जनता से नहीं। यही वजह है कि ट्विटर पर अपनी बात कहने वाले तेजस्वी यादव को जनता ने ट्विटर पर ही भगोड़ा साबित कर दिया। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन सब के बाद क्या तेजस्वी यादव आकर सफाई देते हैं। देश भर में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में हैं। उद्धव ठाकरे का दावा है कि वो कोरोना का सामना डटकर कर रहे हैं, लेकिन सरकार के दावों में कितना दम है इसका अंदाजा आप महाराष्ट्र की हालिया स्थिति को देखकर लगा सकते हैं। कोरोना के मामले देश भर में सबसे तेजी से महाराष्ट्र में ही बढ़ रहे हैं। मुंबई में अस्पतालों के हालात ऐसे हैं जहां एक तरफ कोरोना के मरीज पड़े हैं और दूसरी तरफ लाश। वहीं उद्धव ठाकरे कोरोना से राज्य तो दूर अपने आवास को भी नहीं बचा पा रहे हैं। उनके आवास के पहरेदारी में खड़े कई पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना की ऐसी स्थिति पर अब विपक्ष भी उद्धव सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूद प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के कुल 30% कोरोना केस और 40% डेथ महाराष्ट्र में है। मुंबई की हालत बहुत खराब है। मुंबई में बिना लक्षण वालों की टेस्टिंग ही रोक दी गई है। सरकार इस पर काम कर रही है कि मरीजों की संख्या कैसे कम दिखे, ये सरासर गलत है। पूर्व सीएम ने कहा कि मुंबई में लॉकडाउन सही तरीके से लागू नहीं किया गया। उन्होंने उद्धव सरकार पर आरोप लगाया कि कंटेनमेंट एरिया में सुरक्षा बलों का मार्च नहीं कराया गया। इसके साथ ही लॉकडाउन फेल होने से कोरोना का एरिया स्प्रेड हो गया, जिससे यहाँ केस बढ़ रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि ICMR के गाइडलाइंस को लागू करने के बजाय राज्य सरकार ने अपनी गाइडलाइंस तैयार की है। हालांकि पूर्व सीएम के आरोपों के बाद भी महाराष्ट्र सरकार जागती है या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन कोरोना रोकने में फिलहाल उद्धव ठाकरे पूरी तरह फेल है। देश भर में जब कोरोना पैर पसार रहा था तब पीएम मोदी ने सबसे साहसी फैसला लिया और पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया। इसके अलावा भी पीएम ने कोरोना को रोकने के लिए कई एहतियातन कदम उठाए। पीएम मोदी के दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि भारत में कोरोना के मामले दूसरे देशों के मुकाबले कम है। पीएम के ऐसे बोल्ड फैसलों की तारीफ भारत के साथ विश्व के दूसरे देशों ने भी किया। खुद WHO ने भी पीएम मोदी का आभार जताया। इस दौरान एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में लोगों को कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी की रणनीति पसंद आ रही है। एक सर्वे में पीएम से जुड़े लोगों से सवाल किया गया कि क्या देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना के खिलाफ उठाए गए कदमों से संतुष्ट है। इस सर्वे में पीएम मोदी के काम को लोगों ने 71% रेटिंग दी। पीएम मोदी को दिल्ली में सबसे ज्यादा 86%, मुंबई में 79%, हैदराबाद में 74%, बेंगलुरु में 69%, कोलकाता में 59% और चेन्नई में 51% रेटिंग मिली है। इस दौरान पीएम मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ी है। अप्रैल 2019 में उनकी लोकप्रियता 7.1% थी, जो मई 2020 में बढ़कर 7.9% हो गई है। हालांकि पीएम पर किए गए सर्वे से कांग्रेस को जोर का झटका लगा होगा, क्योंकि कोरोना मामलों पर कांग्रेस के नेता बार बार पीएम के फैसलों पर सवाल उठा रहे थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पीएम के फैसलों पर निशाना साध रहे थे, लेकिन इस सर्वे में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि पीएम मोदी के फैसलों से पूरा देश संतुष्ट है। पिछले कई सालों से अमेरिका और चीन के बीच तनातनी है। दोनों देश अपने को सबसे शक्तिशाली मानते हैं। इस वजह से दोनों के आपसी रिश्ते हमेशा खराब रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो ऐसा लगा अमेरिका और चीन के रिश्ते सुधरेंगे। इस बीच अमेरिका और चीन के बीच जनवरी 2020 में पहले दौर का व्यापारिक समझौता हुआ। जनवरी में जब दोनों के बीच आर्थिक और व्यापारिक समझौते हुए तो संयुक्त बयान में कहा गया था कि ये चीन और अमेरिका के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए लाभदायक है। व्यापारिक समझौते के बाद अमेरिका और चीन ने कहा था ये न केवल एक आर्थिक समझौता है बल्कि विश्व की शांति और समृद्धि से भी संबंधित है। दुनिया को भी अमेरिका और चीन के बीच समझौते का इंतजार था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। चीन से कोरोना वायरस बाहर निकला, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया। यूरोप, अमेरिका सहित
पूरी दुनिया को चीन का ये कोरोना वायरस बर्बाद कर दिया। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका अब चीन से चिढ़ा हुआ है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर चीन पर आरोपों की छड़ी लगा दी है। ट्रंप ने कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका ने लगातार कोरोना का ठीकरा चीन पर फोड़ा है, अब चीन भी अमेरिका पर पलटवार कर रहा है। चीन ने दो टूक अंदाज में अमेरिका से पूछा है कि कोरोना के लैब से निकलने का सबूत है तो दिखाओ, वरना मुंह बंद रखो। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा भी चढ़ता जा रहा है। अमेरिका अब चीन को सबक सिखाने की बात कर रहा है। दोनों देशों के बीच रिश्ते में कड़वाहट इस कदर है कि 4 महीने पहले हुए व्यापारिक समझौते भी टूट सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि दोनों देश के बीच हुए डील को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका चीन पर बड़ा हमला भी कर सकता है। वहीं यूरोपीय देश भी अमेरिका के साथ है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अरसा पहले अखंड भारत का सपना देखा था। क्या वो सपना 2020 में पूरा होने जा रहा है? क्या पीएम मोदी वो कर दिखाएंगे जिसका ख्वाब हर हिंदुस्तानी देखता है और उम्मीद भी पीएम मोदी से लगाए बैठा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पीओके को लेकर हिंदुस्तान के कई एक्शन प्लान सामने आ रहे हैं। पीओके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बहुत बड़ी बैठक की है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले हमारे कश्मीर के अच्छे दिन आने वाले हैं। आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दहशत में हैं। भारत के आक्रामक रवैये से बाजवा के फौज की हालत पतली हो गई है। बात इतने तक ही सीमित होती तो इमरान के माथे पर पसीने नहीं आते, लेकिन इमरान इसलिए भी दहशत में है क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान का प्लान पीओके अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। उन्हें मालूम चल चुका है कि भारत पीओके को लेकर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने मिलकर पाकिस्तान से पीओके आजाद कराने का सुपरहिट प्लान तैयार कर लिया है। 5 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में जम्मू कश्मीर के साथ साथ एलओसी पर हालात की समीक्षा की गई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका सबसे अहम है। हालांकि इसका अंदेशा पाकिस्तान को भी लग गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान के मौसम का हाल बताने वाली भारतीय रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान और चिढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।